Good morning to all my friends. Welcome to my YouTube channel Junior Engineer Civil. And today I will take some example from previous question paper of Junior Engineer Civil and subject survey. So first of the example from question paper, previous question paper, that is four bearing of a line 170 degree. The back bearing of a line would be. So I will solve this question. सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ओके. सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री, ओके. सो फोर बीरिंग इज 170 डिग्री. सो हमारा 170 डिग्री किस कहाँ पे लाई करता है? 90 और 180 के बीच. सो सपोज दिस इज अ 170 डिग्री, सो दिस इज 170 डिग्री, ओके. सो सपोज दिस ए बी लाइन, ए बी लाइन, ओके. एंड दिस इज द फोर बीरिंग ऑफ ए बी, ए एंड बी. सो बैक बीरिंग क्या होगी? बी ए, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है. तो ये इसकी बैक बीरिंग क्या होगी? दिस इज अ 270 डिग्री एंड दिस इज अ 360 डिग्री. तो इसकी फोर बीरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया? आप ये देखिए, फोर बीरिंग प्लस माइनस, एक फोर बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ओके. सो अगर आपका 180 डिग्री से वैल्यू कम होती है तो आपने उसमें 180 ऐड कर देना है. अगर आपकी जो है 180 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो आपने उसमें माइनस कर देना 180. सो दिस इज 170 और प्लस 170 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 170 प्लस 180 दैट इज 350 डिग्री, 350 डिग्री. सो जो ये एंगल होगा बैक बीरिंग ऑफ दिस लाइन, दैट इज 350 डिग्री, ओके. तो इसका हम आंसर देखेंगे, दैट इज 350 डिग्री, ओके. सो दिस इज द राइट आंसर, ओके. होप यू हैव क्लियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू इन सर्विंग, द आरएल ऑफ द रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन ए इज 100 मीटर एंड बैक साइड एट पॉइंट ए इज 3 मीटर, देन द फोर साइड एट बी इज 2 मीटर, द आरएल ऑफ स्टेशन बी. सेकंड हमने आरएल निकालना है. सो सबसे पहले हम इसका फिगर बना देंगे एक. सपोज दिस इज आवर स्टेशन, ओके. सो द आर एल ऑफ स्टेशन ए, मान लो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, ओके. पॉइंट ए, और हमने मान लो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बीच में लगा दिया है, इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे बीच पे लगा दिया, ठीक है. सो ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग इज बैक साइड. सो इन्होंने दिया है द आर एल ऑफ स्टेशन ए इज 100 मीटर. सो आर ए हमारे पास है 100 मीटर, ओके, 100 मीटर. एंड बैक साइड, जब हम पहली रीडिंग देते तो हमेशा बैक साइड हमारी, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड, ओके. सो ये रीडिंग दी हमारे पास 3 मीटर, ओके, दैट इज 3 मीटर, ओके. एंड द फोर साइड एट बी, सेकंड रीडिंग जो हमारी फोर साइड है, ओके, बी स्टेशन पे 2 मीटर, ओके, दैट इज 2 मीटर, ओके. सो क्वेश्चन है द आर एल ऑफ स्टेशन बी इज, सो हमने इसका आर एल निकालना है, ओके. सो अब देखिए, हमें पॉइंट ए का आर एल नोन है, हमें पता है कि यहाँ पे 100 मीटर है. एंड आफ्टर दैट रीडिंग भी हमें पता है कि बैक साइड 3 मीटर रीडिंग है. सो हमें, और फोर साइड की रीडिंग भी हमें पता है कि दैट इज 2 मीटर. एंड आफ्टर दैट आर एल ऑफ पॉइंट बी, ये हमें पता करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ए दैट इज 100 मीटर, 100 मीटर प्लस 3 मीटर दैट इज 103 मीटर, ओके. सो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये पैरेलल, इसके पैरेलल ये रीडिंग है, ओके. ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, ये इसके पैरेलल है 2 मीटर, ओके. सो मींस हम यहाँ पहुँच गए हैं, जब हमने ये प्लस किया तो हम यहाँ पहुँच गए, और इसमें से अब हमें यहाँ पहुँचना है, तो हमें इसमें से ये रीडिंग माइनस कर देनी है. 103 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 101 मीटर. सो आर एल ऑफ पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू
101 मीटर. ओके सो हम आंसर देखेंगे, दैट इज द राइट आंसर 101 मीटर. ओके होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक. After that, the next question, the fourth bearing of a line is north 30 degree east, its back bearing. Okay, so fourth bearing of line, that is equal to north 30 degree east. So what will the back bearing of this line? Okay, so सबसे पहले हम इसके लिए coordinate बना लेंगे. This is north, south, east एंड वेस्ट. ओके सो पहली रीडिंग जो हमारी है फोर बीरिंग है लाइन की वो है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, मीन्स कि नॉर्थ एंड ईस्ट के कोऑर्डिनेट में है. तो आप एक लाइन लगा दीजिए यहाँ पे, मान लो ये है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ये 30 डिग्री, ये इस कोऑर्डिनेट में नॉर्थ ईस्ट में. ओके सो इसकी बैक बीरिंग क्या होगी, सपोज दिस है पॉइंट ए एंड बी. ओके इसकी फोर बीरिंग ये है, तो बैक बीरिंग ए बी, ए की फोर बीरिंग ए बी है एंड इसकी बैक बीरिंग क्या होगी बी ए. तो ये सीधा निचले कोऑर्डिनेट में जा रही है, किस क्वाड्रेंट में, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में. सो दिस इज द साउथ, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट. सो इसका ये आंसर है. ओके द फोर्थ बीरिंग ऑफ, दिस इज द साउथ 30 डिग्री वेस्ट, साउथ 30 डिग्री वेस्ट, दिस इज द राइट आंसर. ओके सो यू हैव क्लियर दिस टॉपिक.